नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन में जो पीछे एक्सरसाइज दी है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन ए बी और सी, ये तीन क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी के अगले तीन क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में देखेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम शुरू करने वाले, देखिए दोस्तों, हम देखते फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और ये होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं और ये भी होती, इसका भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड का। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जिसे हम s से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर का। उसके बाद टाइम, जिसे हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट है सेकंड की। उसके बाद बात करेंगे फोर्स, फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और जिसका यूनिट होता है न्यूटन। ओके, और न्यूटन को यहां पर भाई कैपिटल एन से डिनोट करना है। इसके बाद हम वेट की बात करें तो वेट को भी हम न्यूटन से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि वेट यानी ही फोर्स होता है और ये हमने हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे हम ग्रेविटी की वैल्यू की बात करें, जी इज इक्वल्स टू, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये ग्रेविटी का यूनिट है कांस्टेंट। उसके बाद हम मास की बात करें तो मास का यूनिट होता है केजी किलोग्राम। एक्सेलरेशन यहाँ पर की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है, क्योंकि जिसमें हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन में जितने भी एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ग्रेविटी की जो यूनिट होगी वो भी होंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद दोस्तों हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं। ओके, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के। ओके, तो न्यूटन्स की जो मोशन है उसके मोशंस के जो इक्वेशन हमने पढ़े हैं उसके तीन इक्वेशन हैं, जो है v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ओके, ये इक्वेशन कहाँ से कन्वर्ट हुई है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, a के बदले g कर दिया, हमें इसको देखना है। ओके, इसकी मदद से सॉल्व करना है। उसके बाद अगला इस इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टू जी एस। ओके, इस ये इक्वेशन कहाँ से बनी है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस से बनी है। ओके, हमने a के बदले g, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण, इसलिए a के बदले हम g रख रहे हैं, हमें इन इक्वेशंस का यूज करना है। अगली इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन किससे बनी है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से बनी। तो a के बदले हमने क्या रख दिया भाई, a के बदले यहां पर हमने g रख दिया। ओके, तो यहां पर हमें इन इक्वेशन की मदद लेनी है। ओके, तो ये है भाई फॉर्मूले। ओके, और साथ में और कुछ फॉर्मूले है वो भी बता देता हूं आपको। जैसे हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है ग्रेविटी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर
अर्थ और एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो वहां पर कैपिटल एम आ जाएगा, और दो छोटे ऑब्जेक्ट की, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो यहाँ पर भी दोनों एम स्मॉल एम रहेगी, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू है जी एम आर स्क्वायर, ओके। और वेट की हम बात करें, वेट इज इक्वल्स टू ही फोर्स होता है, और फोर्स यानी होता है मास इंटू ग्रेविटी, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन फिफ्थ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद में आएगी। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिफ्थ में पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। मतलब किसी प्लैनेट पर 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। और वो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के बेस पर, मतलब जमीन पर गिरने के लिए उसे 5 सेकंड लगते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट। तो उस प्लैनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये एक प्लैनेट है, ओके। और इस प्लैनेट पर एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर, मतलब हाइट पर है, और इस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पर बेस पे, यहाँ पे आने के लिए इसे 5 सेकंड लगते हैं, तो हमें इस प्लैनेट के ग्रेविटी की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो छोड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब इसे हम यू से डिनोट करेंगे और इसे लिख देंगे भाई 0। साथ में डिस्टेंस मतलब एस वो है 5 मीटर, और उसके बाद टाइम, यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है टी इज इक्वल्स टू, यह है भाई 5 सेकेंड, ओके। इतनी चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सपोज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहां पर एक्सलरेशन किस कारण हो रहा है भाई, ग्रेविटी के कारण। तो लिखेंगे सपोज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ग्रेविटी करूंगा, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा, ओके, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा तो उस पे जो एक्सलरेशन फोर्स लगने वाला है, इस प्लैनेट के कारण ही लगने वाला है, मतलब इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहाँ पर लगने वाला है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट अप कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, एस हमारे पास दिया हुआ है 5, ओके। उसके बाद यू टी, तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये टाइम, ओके। तो टाइम कितना है भाई, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, वैसे भी ये 0 ही होने वाला है क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई, 1/2। हमें ग्रेविटी निकालनी है तो ये ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर, ओके। टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड लगने वाला है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई 0 प्लस 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय जी। अब क्या करेंगे, इन सारी की सारी वैल्यूज को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये अपॉन में है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो ये आएगा 2, और यहां पर ये चला जाएगा भाई डिवाइड में इज इक्वल टू ग्रेविटी, इस तरह से ये हो जाएगा 5 5 से 25 कैंसल हो जाएगा 5 टाइम, और 2 से 5 भी यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिली है भाई, 2/5 यहाँ पर हमें मिल जाती है, और जब 5 से 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.4। तो देखिए, यहाँ पर ग्रेविटी है और हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी मतलब ये क्या है, ग्रेविटी ये है एक्सलरेशन, ओके। एक्सलरेशन और ग्रेविटी एक ही बात है, तो एक्सलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का है, तो ग्रेविटी का भी यूनिट आएगा यहाँ पर 0.4 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यही हमारा आंसर था और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन फिफ्थ का बी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ का बी है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट जिसका नाम है ए और एक दूसरा प्लैनेट है जो है बी। ए प्लैनेट की रेडियस बी प्लैनेट की रेडियस की आधी है। तो प्लैनेट बी की रेडियस अगर आर है तो ए की रेडियस आर बाय टू हो जाएगी। अगली कंडीशन है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए। मान लीजिए ये प्लैनेट ए है, इसका मास एम ए है, तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। तो इस प्लैनेट बी का मास क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट कर ये पूछा है। और साथ में बोलता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। तो ग्रेविटी की वैल्यू जो भी होगी बी पर, ओके, उसकी आधी वैल्यू ए पर होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कि भाई ग्रेविटी की वैल्यू बी पर 100 है, ओके, तो ग्रेविटी की वैल्यू ए पर 50 हो जाएगी। ओके, तो इससे बी से ए की वैल्यू जो होगी ग्रेविटी की वो हाफ हो जाएगी। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं तो क्या क्या कंडीशन दी है वो सबसे पहले देखेंगे। तो लिखेंगे फॉर प्लैनेट ए, यहां पर दो प्लैनेट के बारे में कंडीशन लिखे, तो लिखेंगे फॉर प्लैनेट ए। प्लैनेट ए के लिए कंडीशन है, प्लैनेट ए की रेडियस है, प्लैनेट ए की रेडियस होगी, रेडियस मतलब आर इज इक्वल्स टू, यहां पर हम सीधा ऐसे लिख ले रेडियस आर अपॉन टू। ओके, साथ में प्लैनेट ए का मास, मास इज इक्वल्स टू हमें दिया है एम ए। ओके, और इसका ग्रेविटी जो है, ओके, यहां पर देखिए ग्रेविटी, तो ये आ जाएगी भाई ग्रेविटी ऑफ ए। ओके, अब इसके बाद देखते हैं फॉर प्लैनेट बी। अब प्लैनेट बी की अगर हम बात करें तो इसकी रेडियस है आर, इसका मास, मास इज इक्वल्स टू, जैसे हमने प्लैनेट ए का मास मास ऑफ ए लिया है तो प्लैनेट बी का मास मास ऑफ बी लिख लेंगे। और ये हमने लेट किया, सपोज किया है। ओके, उसके बाद ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी ऑफ बी की बात करें तो जैसे ग्रेविटी ऑफ ए है ये, तो ए की ग्रेविटी जी है, तो यहां पर ग्रेविटी ऑफ बी की बात करेंगे तो भाई वो भी हाफ हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमें क्या बोला कि हमें यही प्रूफ करना है, यहां पर जो भी ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पर आके आधी हो जाएगी। तो ग्रेविटी ऑफ बी मतलब जी अपॉन टू। ओके, इसे भी मैं सीधा कर लूं यहां पर भाई, इसे मैं ऐसा कर लूं, ग्रेविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिर्फ जी यहां पर लिख लेते हैं और यहां पे ग्रेविटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू जी अपॉन टू, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए भाई ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये प्लैनेट ए के बारे में बात करेंगे हम इसके लिए, और इसके सॉल्यूशन को इक्वेशन वन देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी इंटू, यहां पर मास जो है प्लैनेट ए का है एम ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब प्लैनेट ए की रेडियस, प्लैनेट ए की रेडियस क्या है आर अपॉन टू, तो यहां पर आ जाएगा आर अपॉन टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल्स टू जी एम ए, यहां पर देखिए डिवाइड बाय, डिवाइड देखो ये क्या है भाई, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन टू। ओके, ये पूरा ब्रैकेट में। ओके, तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे जी इज इक्वल्स टू जी एम ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर और टू का स्क्वायर हो जाएगा भाई फोर। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ी दो स्टेप यहाँ पर बढ़ा लिए। तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो 4 ऊपर चला जाएगा और आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसे हम इस तरह से लिख लें तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी एम ए। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर और इसे हम दे दें इक्वेशन 1। ये भाई ये किसके बारे में था? ये था फॉर प्लैनेट ए। अब प्लैनेट बी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्लैनेट बी की यहाँ बात करें तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भाई ग्रेविटी की वैल्यू है जी अपॉन टू। ओके, हाफ है तो यहाँ पर जी के बदले रख देंगे हम जी अपॉन टू इज इक्वल्स टू, साथ में कैपिटल जी वैसा ही रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट भी एम भी हमने ये सपोज किया था और इसकी रेडियस जो है वो वैसी ही रहेगी जो है यहाँ पर। ओके, आर स्क्वायर या भाई मैं स्मॉल आर कर लूँ यहाँ पर आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी जो वैल्यूज है उन्हें हमें पुटअप करना है। तो ग्रेविटी की वैल्यू के बारे में क्या बात करेंगे, देखिए ग्रेविटी यहाँ पर जो होगी वो हो जाएगी, तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू, टू इधर शिफ्ट आ जाएगा तो टू जी एम बी। ओके, टू का मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ और ये आ गया आर स्क्वायर, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। इसे मैं ऐसा लिख लूँ जी इज इक्वल्स टू टू जी एम मास ऑफ प्लैनेट बी आर स्क्वायर, इसे हम दे देते इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से अभी हमें आगे सॉल्व करना, इन दोनों वैल्यू को हम साथ में लिख लेंगे। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे 4 GMA अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GMB अपॉन आर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ प्लैनेट बी, तो हम एम बी को वही छोड़ देंगे, बाकी पूरे वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4 GM मास ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए ये आर जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन, अब ये जो है न्यूमिनेटर में ये आएगा डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 2 G। ओके, बस ऐसा ही रहेगा। अब इस 2G से देखो G से G कैंसल, ओके 2 से ये 4 यहाँ पर 2 टाइम कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है मास ऑफ प्लैनेट बी, और साथ में यहाँ पर आर स्क्वायर भी रहने वाला है, तो देखिए इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल्स टू क्या बचता है हमारे पास 2 इंटू मास ऑफ प्लैनेट ए। तो देखिए मास ऑफ प्लैनेट बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट बी ये मास ऑफ प्लैनेट ए का दुगना हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, तो प्लैनेट बी का जो मास है वो प्लैनेट ए से डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर था। टेक दिस स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए अब क्वेश्चन फिफ्थ का सी क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, द मास एंड वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पर, उसका मास 5 kg है, अर्थ पर उसका वेट 49 न्यूटन है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, मून पर उसकी वैल्यू क्या होगी, मून पर उसका मास कितना होगा, मून पर वही उसका वेट कितना होगा, सॉरी मून पर उसका वेट कितना होगा, क्योंकि मास तो दोनों जगह एक जैसा होता है। ओके हमें क्या कंडीशन दी है, अज्यूम दैट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। देखिए हमें पता है कि मून में जो एक्सलरेशन है या मून का जो मास है वो अर्थ के मास से 1/6 है, तो इसलिए हमें ये एज्यूम करने बोला है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 1/6 पार्ट होगा। ये हमें कंडीशन दी है तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले भाई गिवन लिख ले, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है ऑन अर्थ की बात करें, ऑन अर्थ की बात करें तो हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है 5 kg और हमें यहाँ पर वेट दिया हुआ है 49 न्यूटन। ओके ये चीजें हमें यहाँ पर दोनों गिवन दी हुई है। अब हम आगे बात करें तो वेट इज इक्वल्स टू, हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या है भाई, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। ओके हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि हमें वेट भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, हमें ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू मतलब उसका वेट जो है वो मून पर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ग्रेविटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए वेट है 49 इज इक्वल्स टू मास है 5 और ये आ गया भाई जी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 49/5 इज इक्वल्स टू जी। आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर जी इज इक्वल्स टू 9.8 और ये ग्रेविटी है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके आपको ये सारे यूनिट याद रखने हैं, ओके भूलना नहीं है, ये यूनिट अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन में मार्क्स कोई नहीं काट सकता। देखिए दोस्तों यूनिट पर मार्क्स होते हैं। अब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून की बात करेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो देखिए मून पर एक्सलरेशन कितना है, 1/6 किससे, अर्थ की ग्रेविटी से। तो अर्थ की ग्रेविटी हमको निकालना था सबसे पहले, तभी तो हम उसका 1/6 पार्ट निकालेंगे। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.634 और इसका यूनिट हम लिखेंगे भाई, यूनिट क्या होगा ग्रेविटी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब ऑन मून की बात करेंगे, अब हम मून पे जाएंगे। ओके मून की बात करेंगे तो लिखेंगे ऑन मून, तो मून में देखिए हमें वेट ही तो फाइंड आउट करना है, तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, तो वेट हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ लिखेंगे वेट एज इट इज। मास देखो, मास तो कहीं चेंज होने वाला है नहीं, मास जितना है उतना ही रहेगा। ओके मास कभी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर मास भाई 5 जैसा का वैसा रहेगा। ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिली हमें, 1.634, ये पुट अप कर लेंगे तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर वेट इज इक्वल्स टू 8.100 से मतलब 170 न्यूटन। ओके तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। जय हिंद। Thank you.